नमस्कार फ्रेंड्स, आपने मेरी अभी एक बोटल आर्ट देखी जो आप सबने पसंद की है, लेकिन एक बोटल आर्ट मैंने और बनाई है जो कि आपके गार्डन के लिए है। स्पेशली मैंने गार्डन की लुक के लिए बनाई है। बहुत सारे प्लांट लगाए होंगे आपने, लेकिन अगर आप अपने गार्डन में इस बोटल को लगा लोगे तो आपके गार्डन का लुक ही अलग होगा। ये बोटल आप गार्डन, बालकनी या फिर आप ड्रॉइंग रूम कहीं भी लगा सकते हैं। पर मैंने बोटल को बनाया कैसे है, आज मैंने जो मटेरियल यूज किया है वो बिल्कुल डिफरेंट यूज किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज भी हम एक बोतल आर्ट बना रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक बोतल आर्ट बनाई थी जो आप लोगों को काफी पसंद आई, लेकिन आज हम दूसरी तरह से बना रहे हैं। और ये मैंने एक कट करके रखी हुई है, कुछ मैंने बिना कट करी हुई है। तो इसका नाप जो है, मैंने जो कट किया है बोतल के अनुसार ही करना है, जैसे आपकी बोतल हो। तो यहाँ मैंने 11x7 का नाप लिया है जिसके अंदर हम प्लांट लगाएंगे। और अब मैंने लिया यहाँ पर एक मेडिकल वाली जो स्ट्रिप आती है, पट्टी, वो ली है। इसके अलावा आप प्लेन कोई भी कॉटन कपड़ा ले सकते हैं। फेविकॉल के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाना है और उसके बाद में इस तरीके से हम फेविकॉल लगाते जाएंगे और ऊपर से इसके ये वाली जो पट्टी है ये लगाएंगे। ये स्ट्रिप्स क्या है कि जब भी हम कोई पेस्ट लगाते हैं ना तो उसको बहुत अच्छी ग्रिप करती है, इसीलिए मैं ये लगाती हूँ। तो फेविकॉल अच्छे से लगाना है और जैसे भी आप पीसेस में चाहे पीसेस में लगा सकते हैं, आप लंबी लंबी स्ट्रिप्स चाहें तो लंबी लंबी भी लगा सकते हैं। ये मैंने पहली वाली बोतल में भी बताया था कि हर किसी के पास नहीं होती है, तो आप कॉटन कपड़ा जो चुन्नी का होता है पतला वो भी लगा सकते हैं। और इसके बाद में इसको कम से कम 2 घंटे ड्राई होने रखूंगी और ड्राई होने के बाद ही मैं इसके ऊपर काम करूंगी। तो जब बोतल ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद हम लगाएंगे मिरर। मिरर आप कम ज्यादा अपने डिजाइन के अनुसार लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बेल लगाई है और ये बेल जो है मैंने एस शेप की मिरर और ड्रॉप शेप के मिरर से बनाई है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और डिजाइन तो जो दिमाग में आता है वही हम बना लेते हैं उस टाइम पे, क्या अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मैंने एक ये बनाई है, बेल बनाई है, दूसरे में मैंने ये फ्लावर बनाए हैं आई शेप के मिरर से। थोड़े ज्यादा लग गए हैं, लेकिन आप चाहें तो कम मिरर से भी काम कर सकते हैं। तो पूरी बोतल में मिरर लगने के बाद में अब हमारी 3 बोतल मैंने तैयार की है। तो दोनों तीनों बोतल तैयार हो गई है। अब हम लेंगे सीमेंट। तो आज हम पूरी बोतल सीमेंट से बनाएंगे। तो यहाँ मैंने व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट दोनों का उपयोग किया है। आज व्हाइट और ग्रे दोनों को अच्छे से मिक्स किया है। इसकी क्वांटिटी भी हमने, जैसे मैंने 1 कप मैंने व्हाइट सीमेंट ली है और 1.5 से 1.75 कप मैंने ग्रे सीमेंट ली है, और इसी के अंदर मैंने कलर मिक्स कर लिया है। तो यहाँ मैंने येलो डाला है, इंडियन येलो कलर। कलर एक्रिलिक डाल सकते हैं या फिर आप जो स्टेनर आते हैं हमारे मार्केट्स में वो भी डाल सकते हैं। हाथों में जब हम सीमेंट का काम करते हैं तो या तो ग्लव्स पहन लीजिए और या फिर आप अपने हाथों में अच्छे से कोई भी क्रीम लगा लीजिए या लोशन वगैरह कुछ भी लगा लीजिए, क्योंकि सीमेंट से हाथ बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में, ड्रॉप डालने के बाद में पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम कम डालनी है, एकदम से मत डालिएगा। जैसे शुरू में आपने थोड़ा सा पानी डाला है, फिर मिलाना है, अच्छे से मिलाने के बाद में फिर थोड़ा सा पानी डालना है और फिर मिलाना है। तो यहाँ मेरा पेस्ट थोड़ा सा पतला हो गया था तो मैंने व्हाइट सीमेंट थोड़ी सी और डाल ली। अच्छा, यहाँ मैंने जैसे येलो कलर मिलाया था, लेकिन येलो कलर ना बन करके नहीं, यहाँ हम जब दोनों सीमेंट के साथ में कोई भी कलर डालते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट कलर मिलकर निकल के आता है। तो यहाँ पर येलो कलर से मेहंदी कलर निकल कर आया है और मेहंदी कलर बहुत अच्छा भी लग रहा है। बहुत आसानी से मैं यहाँ पेस्ट लगाती जा रही हूँ। इसके अंदर आप बार बार थोड़ा सा प्रेस करिए, जिससे कि जो एयर होती है हमारी सीमेंट के अंदर, तो उसके जो बबल्स बन करके निकल जाते हैं तो उसके बाद में उसमें छेद नहीं आएंगे। कई बार शिकायत होती है कि सीमेंट सूखने के बाद में उसमें छेद आ गए हैं हल्के हल्के। इस तरीके से बार बार फेरते रहिए उंगली तो नहीं आएंगे। ऊपर की साइड पूरे पे एक जैसा लगाना है। तो ये देखिए पूरी बोतल में सीमेंट जो लग गई है। अब दूसरे वाले में मैंने डाला है रेड कलर और देखते हैं रेड कलर के साथ में कौन सा कलर आता है बनके, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम। मैं भी अब बना रही हूँ पहली बार इस तरह से। पहले भी बोतल बनाई है, वो भी बहुत अच्छी बनी थी, और अब जो बना रही हूँ थोड़ा डिफरेंट शेप का काट करके नहीं और फिर बनाई है, क्योंकि मेरे पास काफी बोतल इकट्ठी हो जाती है ग्लू की। और आप सादा जो पानी की बोतल और जो पेप्सी वगैरह की आती है आप उस पे भी बना सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ मैंने जब रेड कलर डाला था तो हल्का सा पर्पल कलर आया है इसके अंदर। तो देखा आपने, जब हम जो कलर डाल रहे हैं ना उससे डिफरेंट कलर निकल के आ रहे हैं। और चलिए इस बेल वाले पे हम यही लगा लेते हैं। और ये देखिए ये भी मैं इस तरीके से अच्छी तरह से फिंगर से प्रेस करके लगाती जा रही हूँ। बहुत अच्छे से
तीन तीन बार प्रेस करिए जिससे कि जो बबल्स हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो ये बोतल पे भी लगा लिया। लास्ट में मैंने लगाई है एक और जो कलर मिलाया था, पहले मैंने दूसरा कलर मिलाया पर वो कलर नहीं आया इसके अंदर, तो फिर मैंने ब्राउन कलर मिलाया है, एकदम जैसे गेरू कलर होता है ना वो आ गया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्लांट के अंदर वैसे भी ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता है। तीनों बोतल में मैंने ये सीमेंट का जो पेस्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। चलिए 1-2 घंटे सूखने के बाद ही हम लोग इसे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सूखने के बाद क्लियर करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो 2-1.5 घंटे जब ये सूख जाएगा तभी हम इसको क्लियर कर लेंगे। तो हल्के से पानी में इसको स्पॉन्ज को डिप करना है और 1-2 बार में तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सारी बोतलों का कलर क्लियर हो गया, सारी बोतलों के ऊपर से मैंने जो मिरर है मेरे साफ हो गए और बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल के आ गए हैं। तो चलिए अब इनके अंदर हम प्लांट लगा के देख लेते हैं और हैंग करके भी देख लेते हैं कैसी लग रही है। तो ये देखिए सारी बोतल तैयार होने के बाद साथ में प्लांट लगाने के बाद में बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा, इसके अंदर आप प्लांट मनी प्लांट बहुत अच्छा लग सकता है। अगर आप जेट प्लांट लगाना चाहते हैं क्योंकि कम पानी देना होता है उसको, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। मनी प्लांट को भी कम पानी देना होता है। कुछ लोगों का मेरे पास में पिछली बार कमेंट था कि कलर फेड हो जाता है। हाँ, सीमेंट के साथ कलर मिलाते हैं ना तो बहुत तेज धूप में रखते हैं तो बहुत टाइम के बाद, एकदम तो नहीं पर थोड़े टाइम के बाद हो ही जाता है, पर जरूरी नहीं है कि एकदम उग जाए। और अगर हम इस तरह के प्लांट लगाएंगे तो थोड़ा सेडी एरिया में रखेंगे तो फैट नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिरर के साथ मोज़ेक आर्ट और वो भी सीमेंट से बहुत इजी तरीके से मैंने बनाना सिखाया है। इस बार मैंने सीमेंट के साथ में 2 तरह की और मटेरियल मिलाए हैं जो आपने देखे अभी। अगर इन तीनों को मिलाकर अगर हम मिक्सचर बनाते हैं और उससे अपना ये आर्ट करते हैं मोज़ेक वाला, तो बहुत अच्छा बनता है। दूसरी बात यह है कि इसमें हम प्लांट लगाते हैं, प्लांट के साथ में पानी भी जाता है, जब हम पानी तो देना ही है हमको, तो अगर हम सीमेंट के इस मिक्सचर को लगाएंगे तो ये आर्ट हमारा इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। इससे हमारा मोज़ेक आर्ट थोड़ा लंबे टाइम चलेगा और ड्यूरेबल भी रहेगा। तो अगर ये बोतल आपने अपने गार्डन में लगा ली या आपने अपने बालकनी में लगा ली, तो गारंटी है जरूर पूछेंगे कि ये कहाँ से खरीदा। तो जल्दी जल्दी ये बोतल आर्ट बना लीजिए और मुझे फोटो भी भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने दीपावली पे बोला था कि जो भी आर्ट मेरी देख करके बनाओगे उसके मुझे फोटो जरूर भेजिएगा। तो यहाँ कई लोगों ने मुझे फोटो भेजे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर आर्ट बनाई है। जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार बना रहे हैं, उसके हिसाब से जो भी आर्ट बनी है बहुत अच्छी बनी है। इसके अंदर ये एलिफेंट वाली आर्ट बनाई है एक, जिन्होंने भेजा है मैं 57 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम इस उम्र पे भी अपने शौक को जिंदा रखे हैं और आप मेरी वीडियो देख करके बना रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो को देख करके इतना अच्छी तरह से सीखने की उत्सुक है कि वो इस उम्र पर भी मेरी वीडियो को देखकर सीख रहा है। जो आंटी ने दोनों आर्ट बनाई हैं वो कलर और कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी है और काफी फिनिशिंग भी है। तो बस इसी तरीके से आप मेरी अगर आर्ट देखकर के नहीं बनाना सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और इस तरीके से अगर आप मेरे को और भी फोटो भेजेंगे तो मैं जरूर देखूंगी। बहुत सारे लोग फोटो भेजते हैं, कई बार मैं नहीं दिखा पाती हूँ पर मैं देखती सबके जरूर हूँ। तो चलिए, आज का मेरा बोतल आर्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसको जब भी आप बनाएं तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, वैसे तो मैंने वीडियो में सारा बताया है कि बस 1-1.5 घंटे के बाद आप इसको साफ कर लीजिए। बहुत ज़्यादा ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके बाद में एक बार आप साफ कर लेंगे ना, फिर आराम से ड्राई होने के बाद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई आर्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। बाय।